टडान गर्मा गर्म भजिए तैयार है। वाह टपुड़ा बन गया भजिया। हाँ ला 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 ले ले चटिया। नहीं बाबू जी आप खाइए, मुझे मूड नहीं है। अरे पापा फिर तो आपको भजिए खाने चाहिए, भजिए खाने से आपका मूड मस्त हो जाएगा। हाँ खा ले भाई, खाली पेट दिमाग नहीं चलता है, भजिया खा तो कुछ सूझेगा। मिल गया। कौन? आइडिया है क्या? मेहता साहब। मतलब? मैं मेहता साहब को ये भजिया खिला देता हूँ। उससे क्या होगा? उससे मेहता साहब खुश हो जाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे और थैंक यू भी बोलेंगे। अच्छा हाँ? क्या हुआ बापूजी, सुबह मैं उनसे मिलने गया ना। अब क्या खिलाया है मुझे मैं बता नहीं सकता, तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा जेठालाल। तुमने खाया कभी? नीम का सूप, गिलोय की भाजी, करेले का हलवा, आंवले की चाय, एलोवेरा का सलाद, क्या क्या नहीं खाया मैं ही जानता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें खिलाई कि मेरे मुंह का स्वाद खत्म हो गया है जेठालाल। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, बाहर निकलूंगा सबसे पहले तले हुए भजिए खाऊंगा मैं। समझ गया जटिया, समझ गया। तब तो तू मैं उसके सामने जैसे ही भजिए रखेगा वो बिना खाए ही तुझे थैंक यू बोल देगा। है ले? हाँ। अरे पापा रुकिए, सारे भजिए लेके जा रहे हैं। तू दूसरे बना लेना बेटा। अरे पापा नहीं बना सकता, घर में चने का आटा खत्म हो गया है। अच्छा चल ला। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, तू जल्दी जाओ और मैं तू उसको खिला। अच्छा। दादाजी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो ठीक है चल ला। अरे क्या कर रहे जे, क्या है वो रख ले, ले बस मैंने ले लिया। ठीक है तू जा जल्दी जा भाई, जा जटिया। अरे लेकिन दादाजी चल क्या रहा है ये? अच्छा हुआ टप्पू ने आज नाश्ते में भजिया बनाया। भजिया बनाया तो मुझे आइडिया आया ना, अब मुझे सासू माँ के नुस्खे को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बाप रे, ये बकासुर कहाँ से आ गया? अगर इसने भजिया देख लिया तो ये तो छोड़ेगा नहीं, क्या करूँ? जडंगल कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो घर पे बैठे बैठे जरा बोर हो गया था तो सोचा खुली हवा में जरा वॉकिंग कर लूं। अपने चाय नाश्ता कर लिया? हाँ कर लिया ना बेटा। अरे तो चाय नाश्ता करके आप वॉकिंग करने आए? वो तो खाली पेट करते हैं ना, और वो भी सुबह सुबह। हाँ वो पता है बेटा, लेकिन वो क्या है कि मौसम इतना अच्छा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो ना, मन हो गया वॉकिंग करने का तो कर लेता हूँ। तू क्या कर रहा है बाटू, अंदर जा, घर जा, घर जा बेटा। अरे ये डंगल मैं भी सेम टू सेम, मुझे भी घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी फ्रेश हवा खा के आता हूं। तुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है नहीं? हाँ ये डंगल, लेकिन ये डंगल हवा खाने से पेट थोड़ी भरता है। हाँ नहीं वो तो है लेकिन बराबर है बेटा। चल अभी जा बेटा घर जा। हाँ क्यों? घर आ गया ना तेरा इधर देख। और बेटा बस हो गया ना, कितनी हवा खाएगा बेटा तू? हाँ थोड़ी दूसरों के लिए भी थोड़ी हवा रहने दे बेटा। क्या जेठा अंकल आज आप एकदम मजा क्या मूड में हो? जेठा अंकल हाँ? आपको खुशबू आ रही है क्या? बोल खुशबू। हाँ हाँ खुशबू आ रही है, कोई खाने की चीज की, तला हुआ खाने के, तले हुए खाने की चीज की खुशबू आ रही है। तले हुए खाने की चीज की खुशबू? हाँ हाँ वो होता ना भजिया दाल वड़ा, वो टाइप की खुशबू आ रही है। हाँ तो बेटा तेरे घर से आ रही होगी, तेरी मम्मी तेरे लिए कुछ बना रही होगी बेटा। हाँ तो जा 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 घर जा घर जा घर जा। नहीं 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 जेठा अंकल घर से तो नहीं आ रही है, आपके आजू बाजू से ही कहीं से आ रही है। एक मिनट, आपके हाथ में कुछ है क्या जेठा अंकल? नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से पीछे से आपके हाथ ऐसे आधे क्यों दिख रहे हैं? अरे वो तो बेटा वॉकिंग करते वक्त अपन वो हाथ ऐसे आगे रख के ऐसे ऐसे वॉकिंग करते हैं ना, तो मैं ऐसे ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ बेटा। हाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो घर से ही आ रही होगी। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय जेठा अंकल। ओके बाय बेटा, बाय बाय। मुझे डाउट था ही कि आपके हाथ में कुछ है क्या, डब्बे में कुछ तली हुई चीज है ना? गोली बेटा।
बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये किसी और की अमानत है बेटा। किसी और की अमानत है? फिर तो नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा सूंघ के दिल खुश कर लो। बेटा तू सूंघेगा तो फिर खाने का मन हो जाएगा ना बेटा। नहीं 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 नहीं, आपने बोला ना किसी और की अमानत है, प्लीज थोड़ा सूंघाइए ना प्लीज। ठीक बेटा। अंकल ये सूंघना भी कोई सूंघना है? खुशबू डब्बे के बाहर आ ही रही थी कि आपने डिब्बा बंद कर दिया, थोड़ा ठीक से सूंघाइए ना। अरे मजा नहीं आ रहा है, जाने दीजिए बेटा अंकल, मुझे नहीं सूंघना है। अरे 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 गोली, अरे गोली गोली बेटा, तू तो नाराज हो गया बेटा। तो नाराज तो होऊंगा ना बेटा अंकल, आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है सूंघ ले ले। किसकी अमानत है? अमानत है, अमानत है। मेहता साहब की? मेहता अंकल की है, लेकिन उनको तो ये खाना अलाउड ही नहीं है। अगर आपने उनको ये खिला दिया और अंजलि आंटी ने देख लिया तो उनके बीच कितना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आप उनके बीच झगड़ा लगाना चाहते हो? नहीं नहीं मैं ये उन्हें नहीं दूंगा। मेरी बात सुन गोली नहीं यार भाई, अरे तू समझ यार, अरे मेहता साहब का, अरे तू मत खा यार मेरी बात, गोली गोली क्या कर रहा, गोली मत खा गोली गोली हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तेरे तेरे हाथ जोड़, गोली नहीं गोली। थैंक यू बोलिए। मैं तुझे थैंक यू बोलूं? हाँ आपको बचा लिया ना मैंने, अभी आप ये बच्चे मेहता अंकल के पास ले जाते, अंजलि आंटी देख लेते, अंजलि आंटी आपको कितना डांटते, तो अंजलि आंटी की डांट से आपको मैंने बचा लिया ना, तो थैंक यू बोलिए। अच्छा मन में बोल लिया, वेलकम वेलकम। तला हुआ खा लिया, प्यास लगी है, पानी है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो गोगी के घर पे जाके लस्सी पी लेता हूँ। बाय जेट अंकल। एक भजिया नहीं छोड़ा, सारे के सारे खा गया, गलती मेरी ही है। अच्छा भला रुट के जा रहा था, मैंने उस पर दया करके पूरा डिब्बा दे दिया सूंघने के लिए। गोली ने तो मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया, अभी कैसे होगा नुस्खा पूरा? हाथी भाई मेरा नुस्खा पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ये कोरोना काल में डॉक्टरों को नर्सों को रोज पीपीई किट की जरूरत तो पड़ती है, तो हाथी भाई की पहचान की किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में मैं पूरे महीने का ये पीपीई किटों का एक स्टॉक मेरी तरफ से दान दे देता हूँ ना, तो हाथी भाई और हॉस्पिटल वाले सब खुश हो जाएंगे और मुझे दिल से थैंक यू बोलेंगे। यस पापा। अरे बेटा जरा मेरी चेकबुक और पेन लेकर नीचे कंपाउंड में आ जाना जरा। ओके पापा आ रहा हूँ। ये लीजिए। हाँ और ये घर पे लेके जा। मेहता अंकल को भजिया खिला दिए? नहीं बेटा नहीं खिला पाया,
तो भजिए कहाँ गए? आप खा गए? अरे नहीं भाई, मैंने नहीं खाए। तो किसने खाए? तेरा दोस्त गोली खा गया। मैं भजिया लेके मेहता अंकल के घर तक पहुंचू, उसके पहले ही वो मुझे कंपाउंड में मिल गया और खा गया सारे भजिए। गोली भी ना। तो पापा अब क्या करोगे आप? अभी वो हाथी भाई के जरिए किसी हॉस्पिटल में पीपी किट का दान करने का सोचा है। वाह, वेरी गुड आइडिया पापा। चल आता हूँ दान करके। प्लीज टाइम निकाल के खा लेना। हाँ खा लूंगा। और अपना ख्याल रखना। पक्का ध्यान रखूंगा। अभी हॉस्पिटल से फोन आ रहा होगा कि गाड़ी पहुंच रही है। फोन तो है ना? हाँ हाँ है। गुड मॉर्निंग आती भाई। गुड मॉर्निंग कमल भाभी। अरे जिटे भाई आई आई है। एक मिनट पहले हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है भाई। बैठे जेठा भाई, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता। अरे नहीं नहीं कमल भाभी, घर से मैं भी चाय नाश्ता करके आया हूँ। अच्छा तो बताइए जेठा भाई, कैसे आना हुआ? हाथी भाई आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा कोमल। हाँ मैं अंदर चली जाती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोमल भाभी को अंदर जाना पड़े। अच्छा तो बताइए जेठा भाई। हाथी भाई, आप डॉक्टर लोग ये कोरोना काल में समाज की कितनी सेवा कर रहे हैं। अपना सुख चैन सुरक्षा सबका बलिदान देके आप दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या हम जैसे सामान्य नागरिक का कोई फर्ज नहीं है कि हम आप जैसे कोरोना वीर के लिए कुछ करें? जेठा भाई किया है ना, सब लोगों ने हम डॉक्टरों का बहुत सम्मान किया है। लोगों ने किया है लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ आती भाई। अच्छा तो बताइए क्या करना चाहते हैं? आपके पहचान के कोई हॉस्पिटल हो तो उसमें डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, पूरे स्टाफ के लिए एक महीने में जितने भी पीपीए सूट लगते हैं ना, वो सब मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूँ। वाह वाह जेठा भाई, आपका विचार तो बहुत ही अच्छा है। है ना, तो मैं चेकबुक लेके आया हूँ। बताइए कितने का चेक बना दूँ? नहीं नहीं, अभी चेक बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो क्या है जेठा भाई, बहुत सारी सेवाभावी संस्थाओं ने पीपीई किट का दान किया हुआ है। अच्छा तो अभी पीपीई किट की कोई कमी नहीं है। मेरी बहुत इच्छा थी मदद करने की आप जैसे डॉक्टरों की। जेठा भाई, हम डॉक्टरों की जो भी मदद करना चाहता है मैं उससे यही कहता हूँ कि आप घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाइए। बस इसी से हम डॉक्टरों की मदद हो जाएगी। और जेठा भाई, आपको मदद करनी है तो किसी जरूरतमंद की कीजिए ना। नहीं, वो आपकी बात बराबर है कमल भाभी, लेकिन जरूरतमंद को ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा ना, और अभी बाहर जाने अलाउ नहीं है। सही बात है। तो जेठा भाई आप ना थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद किसी की मदद कर देना। अरे थोड़े दिन रुकने का टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है चलता हूँ मैं। हाँ जेठा भाई सॉरी। हाँ अरे सॉरी नहीं, मुझे थैंक यू सुनना है हाथी भाई। कोई बात, चलता हूँ। ध्यान रखिएगा। हाँ जी। हाथी भाई के घर पे भी काम नहीं बना, सोसाइटी में और कौन है जरूरतमंद जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ? अरे हाँ पोपटलाल। अरे पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो पोपटलाल है। अगर मैं उसकी शादी करवा दूं तो वो एक बार नहीं पूरी जिंदगी मुझे थैंक यू बोलता रहेगा। अरे लेकिन शादी करवाने के लिए लड़की चाहिए, और मान लो लड़की मिल भी गई तो वो पोपटलाल से शादी करने के लिए तैयार होनी चाहिए ना। और चलो मान लेते हैं कि बिचारी ने किसी नबड़ी क्षण में शादी के लिए हाँ कर भी दी, तो अभी शादी की रस्में कहाँ करवाऊँ? सब कुछ तो बंद है। पोपटलाल की मदद भी नहीं कर सकता। अरे क्या विधि की विचित्रता है, एक आदमी हाथ में चेकबुक लेके दान करने के लिए तड़प रहा है और दान लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। चेक से याद आया, पूरी सोसाइटी में एक ही तो आदमी है जिसे हर महीने मेंटेनेंस का सिर्फ एक चेक नहीं ढेरों चेक चाहिए होते हैं। आत्मराम तुकाराम भिड़े, पिछले 2-3 महीने से पता नहीं उसको सबके मेंटेनेंस के चेक बराबर मिले होंगे कि नहीं। उसको सोसाइटी फंड में पैसों की जरूरत हो सकती है, तो मैं मेरे 3 महीने के मेंटेनेंस का चेक उसे एडवांस में दे देता हूँ। खुश से खुश हो जाएगा और मुझे थैंक यू का धोध में नहला देगा। आत्मराम तुकाराम भिड़े, खुश होने के लिए तैयार हो जा, आ रहा हूँ मैं। तो माधवी जी,
हाथ पर आम तुकाराम भेड़े के हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय रेडी। तान छान, लॉकडाउन में ये एक फायदा है आपके हाथ की मस्त पीके से गर्मा गर्म चाय पीने मिलती है, वरना तो आप हमेशा हिसाब में, सोसाइटी के कामों में या सखरम को साफ करने में लगे रहते हैं। मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता है कभी। माधवी, अभी बैठे बैठे अच्छी खासी रेडीमेड चाय मिली है मेरे हाथ की, तो उसका मजा लो ना। क्यों अच्छी खासी बात में भी नुक्स निकाल रही हूँ? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? नहीं नहीं, कहीं नहीं। अरे बोलो क्या हुआ? नहीं, मैं बोलूंगी तो फिर आप बोलेंगे कि अच्छी चीजों में नुक्स निकालती हो, रहने दीजिए। अच्छा, मतलब चाय अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी बनी है। क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? मैं मजाक कर रही हूँ। आपने सुपर फंटास्टिक चाय बनाई है। वाह। अरे जेठा भाई, आइए आइए। नहीं नहीं, इसे कहते हैं 21वीं सदी का आदर्श पति। माधवी भाभी को चाय बना के पिलाई। आइए आइए जेठा भाई, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, अजी मत तस्दीक हो नक्का। माधवी भाभी, अभी घर से चाय नाश्ता करके ही आ रहा हूँ, तो मुझे भिड़क क्या, खाली 2 मिनट का काम है, इसलिए मिलने चला आया। अच्छा अच्छा, कोई हरकत नहीं, आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं आती हूँ। बोलो भाई, अब क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सो रहे थे, सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, लेकिन तेरा काम तो चालू ही है। हाँ तो अच्छी बात है ना, शिक्षा का काम चालू ही होना चाहिए। वो तो भला और टेक्नोलॉजी का कि मैं ऑनलाइन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तेरे वो काम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो? ये सोसाइटी का काम तू तो बिना पगार लिए ही कर रहा है। मतलब एक तरफ से वो सेवा ही हुई ना। मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, लेकिन तेरा ये सोसाइटी का काम तो चालू ही है। सोसाइटी के काम तो चालू ही रहेंगे ना जेठाला, मैं सोसाइटी का एके में सेक्रेटरी हूँ, तो सारे काम करना मेरा फर्ज बनता है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वाह 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 भिड़े वाह, ये तेरा बड़प्पन है तो ऐसा सोच रहा है। क्योंकि मूड में तो निष्ठावान है ना। ये तेरा है, लेकिन तुम कहना क्या चाह रहे हो जेठाला, ये समझ में नहीं आ रहा। बताता, रामायण तो तुम जानते ही हो। भगवान राम वाली ना? तो और कौन सी? नहीं मतलब आप लोगों में कहते हैं ना, अरे आज घरे बहु रामायण थी गई भाई, तो मुझे लगा तुम अपने घर की कुछ रामायण की बात कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान श्री राम वाली रामायण की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो कैसा गया? तो त्याच्या मध्ये काय झालं माहितीच आहे सगळ्यांना। ओ जब भी वो पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, तभी भगवान श्री राम की मदद खिसकोली ने की थी। किसने? खिसकोली। खिसकोली नस्ते ते खिसकोली ते ऐसा ऐसा उधर उधर भागते रहती है वो, उसके पीठ पे ऐसे 3 पट्टे का निशान है। हाँ स्क्विरल। पता ही कौन? वे गिलहरी। हाँ गिलहरी, गिलहरी बराबर, गिलहरी। हाँ तो उसका क्या? तो गिलहरी ने यथाशक्ति भगवान श्री राम की मदद की थी। बराबर बराबर। तो मैं भी आज ये राम, मतलब आत्मा राम की मदद गिलहरी बन के करने आया। लेकिन जेठालाल मैं अभी भी समझा नहीं, मेरी मदद कैसे? समझाता हूँ। अभी लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया है, तो सोसाइटी में बेचारे ऐसे कई लोग होंगे जो मेंटेनेंस का चेक तुझे नहीं दे पाए होंगे है? लेकिन सोसाइटी का जो फिक्स खर्चा है वो तो है, लाइट का, पानी का, सबका बिल तो भरना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरी थोड़ी मदद कर दूं। तो मैं मेरा 3 महीने का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में तुझे देके तेरी मदद करना चाहता हूँ। वाह वाह जेठा वाह, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के पास पर्याप्त फंड है, और कमिटी मेंबर ने डिसाइड किया है कि अगले 3 महीने तक सोसाइटी के किसी भी मेंबर से मेंटेनेंस का चेक ना लिया जाए। अच्छा। दोस्तों बाघा ने जेठालाल की मदद लेने से इनकार कर दिया, डॉक्टर हाथी ने मना कर दिया, भिड़े ने भी मना कर दिया, और तो और गोली ने भी भजिए खा के थैंक यू नहीं बोला, कोई भी जेठालाल से मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा?
जेठालाल की सासू मां ने जो उपाय बताया है सपनों की समस्या के समाधान के लिए, वो उपाय कैसे पूरा होगा, सपनों की समस्या का समाधान कैसे होगा, समाधान होगा भी कि नहीं होगा, यकीन मानिए अगर समाधान नहीं हुआ तो क्या सपने ऐसे ही आते रहेंगे, और अगर ये सपने ऐसे ही आते रहेंगे तो मेरी नींद तो पक्का उड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आपके पास कोई उपाय है तो जरूर बता दीजिए ताकि जेठालाल को निजात मिल सके इन सपनों की समस्या से। और होगा क्या उपाय, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, गौरव नाम का एक लड़का मेरे पास खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो आपका स्टूडेंट है। गौरव गुप्ता? हाँ मेरा ही स्टूडेंट है वो। गौरव गुप्ता? हाँ हाँ गौरव गुप्ता। हाँ भेज दो से, भेज दो। हाँ हाँ अभी भेजता हूँ, जाइए। अरे एक मिनट, अरे भाई कहाँ जा रहा है, सैनिटाइज तो कर ले हाथ को। तुम निश्चिंत हो जाओ, अगले 3 महीने तक तुम्हें मेंटेनेंस का चेक नहीं देना है। मैं घर से नक्की करके आया हूँ कि मुझे सोसाइटी की मदद करनी ही है, और चेक भी रेडी है, ले लेना भाई। देखो जेठालाल, सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए नियम एक समान है, मैं किसी से भी एडवांस में चेक नहीं ले सकता, अगर किसी को पता चलेगा तो सब मुझे सुनाएंगे। सुनाएंगे तो तभी ना जब उनको पता चलेगा, ना तू किसी को बताएगा ना मैं किसी को बताऊंगा। ले ले। ठीक है मैं बताने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं बैंक में चेक भरूंगा तो एंट्री तो दिखेगी ना, तो पता चल ही जाएगा। हाँ तो पता चलता है तो चलने देना भाई, कोई चोरी थोड़ी है भाई। अरे कमाल है जेठालाल, जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चेक नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं चाहिए मुझे चेक भाई। अभी सब त्योहार आ रहे हैं, लाइन से एक के बाद है, तभी सोसाइटी को फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भाई, रख। नहीं 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 जेठालाल, नहीं नहीं बोला ना, नहीं नहीं चाहिए। क्या? बस बस बस, वही रुक जा। देखो जेठालाल, अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी त्योहार हम मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं ये चेक नहीं ले सकता भाई। हाँ अरे अजीब आदमी है तू, वैसे तो हर महीने मेरे पीछे दौड़ता रहता है, चेक दो मेंटेनेंस का, चेक दो। अभी मैं दे रहा हूँ, वो भी 3 महीने का एडवांस में दे रहा हूँ, तो लेने को तैयार नहीं है तू। देखो जेठालाल, ऐसे एडवांस में पैसे मत दो, अभी समय ऐसा चल रहा है कि जितने पैसों की बचत कर सको उतनी करनी चाहिए। अभी देखो ना, हमें बहुत सारे लोगों से आचार पापड़ का पेमेंट आना बाकी है, लेकिन वो पेमेंट कर नहीं रहे क्योंकि वो अपने पैसों की बचत कर रहे हैं। इसका मतलब तो तुझे पैसे की जरूरत है, तो ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ। कितना चाहिए, 1-2 लाख दे दूँ? नहीं नहीं जेठालाल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई, भगवान की कृपा से मेरे पास अच्छा खासा सेविंग है, आगे के 4-5 महीने आराम से निकल जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो पेंडिंग पेमेंट है वो आ जाएगा, और अचार पापड़ का ऑर्डर का जो काम अटका पड़ा है वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा अचार पापड़ का काम अटका हुआ है? हाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो नए ऑर्डर कहाँ से आएंगे। हाँ तो मैं देता हूँ ना ऑर्डर, चल ले ले मेरा ऑर्डर ले, 100 किलो पापड़ और 1000 बोतल अचार। हाँ दोनों का मिलाकर कितना होता है, एक साथ चेक दे देता हूँ। अरे जेठालाल ये चेकबुक रखो अंदर, ये चेक भी रखो अंदर। देखो भाई जेठालाल, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा मार्केट में तो तुम्हारा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगा। अरे यार सेठ, मैं अंदर हूँ। ये गौरव, ये सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं बात तो बाद में होगी, पहले मुझे ये बताओ गौरव, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है? अरे गौरव बा, तू? नमस्ते माधवी आंटी। नमस्ते। अरे बताओ ना मुझे, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो गौरव? दरअसल मैं आपसे वही बात करने आया था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता। लेकिन बेटा जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा ना, अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे? गौरव बड़ा, तुम्हारे पापा को बोलो तुम्हारे लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए, खेलने के लिए नहीं पढ़ाई के लिए। हाँ और अगर वो नहीं मानते तो मेरे से बात करो, मैं समझाऊंगा उनको। नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहिए, वो पहले से बहुत परेशान है, ये कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी मिल भी नहीं रही है, घर भी बहुत मुश्किल से चल रहे, और ऐसे में मैं स्मार्टफोन का तो सोच भी नहीं सकता। सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। अगर कोई अचार पापड़ की डिलीवरी का काम होगा तो मुझे कहना, कुछ पैसे कमा के पापा की मदद करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बाड़ा, ये तुम्हारी उम्र नहीं है काम करने की। हाँ बेटा तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। सर मैं अब स्मार्टफोन कहाँ से लाऊंगा, बिना स्मार्टफोन के
मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। चिट्ठालाल तुम पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ाऊंगा। चिट्ठालाल ये नौवीं में, नाइन्थ स्टैंडर्ड, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें आता है सब? अरे नहीं नहीं भाई वो वैसे नहीं, ये तुम्हारे भिड़े सर तुमको पढ़ाते वैसे नहीं है भाई, वो तो तुमको भिड़े सर ही पढ़ाएंगे। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए वो स्मार्टफोन नहीं है ना, तो मैं मेरी तरफ से तुम्हें स्मार्टफोन नहीं एक लैपटॉप दूंगा बस। पर अंकल मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं लैपटॉप ले सकूं। नहीं नहीं बेटे मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऐसे ही मेरी तरफ से गिफ्ट। वाह वाह मतलब आप मुझे बिना पैसों के ऐसी लैपटॉप दे दोगे फ्री? फ्री फ्री, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है बेटा। अंकल मैं आपसे ऐसे ही लैपटॉप नहीं ले सकता, आप मुझे आपके दुकान पे कुछ काम दे देना। माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छा संस्कार दिए है बेटा। चल मैं काम करता हूँ, मैं तुझे लैपटॉप फ्री में नहीं देता, ठीक है? उसका तुझे मुझे चार्ज देना होगा, लेकिन चार्ज मुझे पैसे में नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप की मदद से तू खूब मेहनत करके, खूब पढ़ाई करके, खूब सारे अच्छे नंबर लेके आए। है मैं समझूंगा मुझे मेरे लैपटॉप के पैसे मिल गए। वाह वाह जेठा भाई शानदार। थैंक यू अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। अरे बेटा इसका घर का एड्रेस वगैरह है ना तेरे पास? हाँ है ना। जा जा बेटा घर जा और मम्मी पापा को खुशखबरी दे कि तू ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, इसलिए तेरे भिड़े सर ने तुझे लैपटॉप गिफ्ट दिया। मैंने? जा बेटा घर जा, लैपटॉप तेरे घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है? थैंक यू। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे मेरे पैर नहीं बेटा, अपने सर का पैर छू। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, ऑनलाइन क्लास में मिलता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकल। बाय माधव आंटी। बाय। जेठालाल तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तो भाई उसके मम्मी पापा तुझे जानते हैं, मुझे नहीं जानते है भाई, उनको फिर लगेगा ना कि एक अनजान आदमी मेरे बेटे की मदद क्यों कर रहा है भाई। अच्छा अच्छा हाँ बरोबर बरोबर। लेकिन जेठालाल वाकई गौरव की मदद करके तुमने बहुत नेक काम किया है। खरोच खरोच जेठा भाई, शास्त्रों में लिखा है ना विद्या दान श्रेष्ठ दान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना जेठालाल तुम्हारी मिसाल दी जाएगी। अरे तू इसका एड्रेस तो दे ताकि मैं बागा को बोल के वो लैपटॉप की डिलीवरी इसके घर पे करवा दूं। हाँ हाँ हूँ, शुभ काम में देरी मत कीजिए, जल्दी दीजिए उनको। हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बागा को फोन लगाओ, मैं उसे मैसेज कर दूंगा अभी। हाँ अभी कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बागा एक देख बहुत जरूरी काम तुझे अभी कभी करना है। हाँ बोलिए। ये अपने भिड़े भाई है ना, वो तुझे अभी अपने विद्यार्थी का नाम और एड्रेस तेरे फोन में मैसेज करेंगे। तो तुझे क्या करना है, एक बढ़िया सा लैपटॉप वो एड्रेस पे फटाफट भेजना है। जी सेठ जी, पेमेंट कैसे लेना है, चेक या कैश? नहीं नहीं नटू काका को बोलना, ये मेरे खाते में लिख ले। जी आप खाली भिड़े भाई को बोलिए कि उनके विद्यार्थी का नाम और एड्रेस मुझे SMS कर दे। अरे यहाँ बाजू में ही खड़े है, तो भेज दिया बोलो। हाँ बोल रहे भेज दिया, देख जरा चेक कर। एक सेकंड एक सेकंड। गौरव गुप्ता? गौरव गुप्ता। हाँ गौरव गुप्ता। हाँ वही 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 वही, बस बस करवा दे फटाफट। जी जी सेठ जी। वाह 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 जेठालाल, देखना तुम्हें इस काम के लिए बहुत पुण्य मिलने वाला है। अरे भाई पुण्य के लिए तो किया। अरे बाप रे, मेरे मुंह से क्या निकल गया, अगर भीड़ को पता चल गया कि मैंने पुण्य का काम क्यों किया है तो नुस्खा फोक हो जाएगा। क्या बात है जेठालाल, अचानक ये दान पुण्य करने की क्या सूझी? आहो असू देना कर रहे हैं ना वो। नहीं मैं तो ऐसे ही जानना चाहता हूँ, बोलो ना जेठालाल अचानक कैसे दान पुण्य? नहीं अचानक नहीं, मैं काफी दिन से सोच रहा था
कि हाथी भाई डॉक्टर के रूप में, तू शिक्षक के रूप में, फिर अपने अय्यर भाई साइंटिस्ट के रूप में, अपना पोपटलाल पत्रकार के रूप में, सब लोग अपने अपने हिसाब से क्या समाज की मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगा भाई मुझे भी समाज की कुछ मदद करनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये ऐसे किया। वाकई जेठालाल तुमने बहुत बड़ी सेवा की है, तुम्हें मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू। अरे वाह थैंक यू, चलो मैं चलता हूँ। जेठा भाई रुकिए ना, मैं वास्तव की शीरा बनाती हूँ, मीठा खाके जाइए। नहीं नहीं माधु बाबी, ये भिड़े ने और वो बच्चे ने दिल से मुझे थैंक यू बोला ना, उसमें सारी मिठाई आ गई। चलो मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू थैंक यू। ये जेठालाल भी ना हमेशा मुझे सरप्राइज देता है, कभी मुझे प्रॉब्लम में डालकर तो कभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके। माला का बट इनके इस बात का उनके सपनों के साथ कुछ तो कनेक्शन है। वो जो भी हो माधवी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इस लॉकडाउन में कुछ अच्छी बात तो हुई। और आज खाना भी बना देंगे आप, तो अच्छा ही हो जाएगा। क्या 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 क्या? मैं आज अच्छा खाना बनाऊंगी। अच्छा अच्छा बनाऊंगी, हाँ अच्छा बनाती हूँ। चला हाथ पकड़ा लग ली तुम्हें। थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक जरूरतमंद बच्चे की मदद करने का मौका दिया। पर एक मिनट, मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे थैंक यू बोला, इसका मतलब सासू माँ का नुस्खा पार पड़ गया। हाँ हाँ पार पड़ गया, मतलब आज से अजीब सपनों का सिलसिला खत्म। हाँ हाँ खत्म। अरे थैंक यू भगवान थैंक यू। चलो जल्दी से घर जाकर बापूजी को यह खुशखबरी सुना देता हूँ। अरे टप्पू बेटा, ये जेठे अभी तक आया क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया। हाँ वो हाथी अंकल के घर गए। लगा फोन लगा। पापू जी हो गया। पापू जी क्या हो गया? काम हो गया, सासू माँ का नुस्खा पार पड़ गया। अरे वाह, क्या क्या मदद की तूने हाथी लगी? नहीं हाथी भाई को मदद नहीं की बापू जी। क्यों? उनको मदद की जरूरत नहीं थी। तो फिर भिड़े के घर गया। अच्छा भिड़े को मदद चाहिए थी? नहीं मदद तो उसको भी नहीं चाहिए थी। तो फिर मैं आपको सब विगत पर बताता हूँ। क्या हुआ बापूजी, मैं भिड़े के घर गया ना, अरे वाह वाह जेठिया, तूने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करके गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। वाह बापू जी, ये सब आपके संस्कार है। पापा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपकी वजह से उस स्टूडेंट की जिंदगी सवर गई। देखा जेठा, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने तुझे जानबूझ के ऐसे सपने दिखाए ताकि आखिर में तू ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया जेठा। सच कहूं तो बापू जी, ये मदद एकदम मुझसे निस्वार्थ भाव से हो गई। मतलब मैं जब उसको मदद कर रहा था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि मैं इसकी मदद करूंगा तो ये मुझे थैंक यू बोलेगा। पापा नानी माँ का नुस्खा पूरा हो ही गया। विवाण तो विवाण, जिस चीज को छूले वो सोना बन जाए, जो कह दे वो पत्थर की लकीर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, अभी मुझे लगता है बापू जी ये मेरा जो अजीब सपनों का सिलसिला है वो अभी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा जेठे हो जाएगा। देख तूने अपना कर्म कर लिया, अब तू फल की चिंता मत करना है, वो भगवान पे छोड़ दे। तू बस सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना, फिर सोना। जरूर जरूर बापू जी जरूर। फोन साइलेंट करके सो जाता हूँ। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि वो गौरव है ना, उसके पेरेंट्स का मुझे फोन आया था थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस थैंक यू के असली हकदार तुम हो, इसलिए थैंक यू। अरे नहीं भाई, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ भाई, करता हरता भगवान है। उन्होंने मेरे दिमाग में जो विचार डाला मैंने तो बस वही किया भाई। लेकिन जेठालाल मुझे पता चल गया है कि तुमने गौरव की मदद क्यों की। अरे बाप रे, भिड़े को पता चल गया, फिर तो सासू माँ का नुस्खा फेल हो जाएगा। क्या 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 पता चल गया तुझे? यही कि तुम भी एक बेटे के बाप हो, इसलिए तुमसे एक बेटे का दर्द देखा नहीं गया। अगर
मतलब तू ऐसा कह सकता है, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आया था। मेरे दिल ने जो बोला मैंने वो बस कर दिया। वाह 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 जेठालाल, तुम ऐसे दिल से चाहोगे ना तो तुम्हारे सपने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, देखना। तुम दिल की सुनते हो, दिल भी तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें दिल से गुड नाइट। थैंक यू बड़े, तुम्हें भी दिल से गुड नाइट भाई। हैं बोलिए माता साहब। क्या जेठालाल जाग रहे हो? नहीं सो रहा हूँ। अरे रे, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। आ गया फोन। अरे मेहता साहब मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं कोई सोया नहीं था भाई, लेकिन आपने फोन कट करके नेले पे देला कर दिया। अरे क्यों ना हो नेले पे देला, परम मित्र हूँ तुम्हारा जेठालाल, मुझे मालूम है तुम कौन सा दाव कब खेलोगे, हमारे पास हर दाव तैयार रहता है। ठीक है बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे खुशखबरी देने के लिए फोन किया था जेठालाल, अंजलि ने आज मुझे मसाला चाय पिलाई है, मसाला चाय। अरे मेहता साहब मसाला चाय में तो आप इस तरह खुश हो रहे हो मानो अंजलि भाभी ने आपको अमृत पिला दिया हो। देखो ये खुशी तो खुशी है जेठालाल, और इस कोरोना काल ने हमें छोटी छोटी खुशियों पे जीना सिखा दिया है, इसलिए छोटी है खुशी सही। अरे भाई भजिए ना मिले, तले हुए पकौड़े ना मिले, चटपटा कुछ खाने को ना मिले तो चाय ही सही। नहीं नहीं आपकी बात सही है मेहता साहब, ये कोरोना ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। सिखा तो दिया है, और अब तुम एक छोटी सी चीज सीख लो, गहरी सांस लो, आंख बंद करो और सो जाओ चैन से, और तुम्हें अटपटे सपने ना आए बस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो जैसे मेहता साहब ने बोला वैसे गहरी सांस लेके सो जाता हूँ, ताकि एकदम चैन की नींद आ जाए। अरे अय्यर भाई ये कोई टाइम है फोन करने का? अच्छा भला सो गया था, आपके फोन की वजह से जाग गया। I'm so sorry जेठा जी, मुझे पता नहीं था कि आप सो गए होंगे। बबीता जी आप? हाँ वो actually मेरा फोन चार्ज पे था ना, तो मुझे लगा कि मैं अय्यर के फोन से फोन कर लूँ। I'm so sorry to disturb you, आप सो जाइए ना, मैं रखती हूँ। हाँ नहीं मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो फुल जाग रहा हूँ बबीता जी एकदम। देखिए लाइट भी चालू है। वो तो अय्यर भाई का नाम देखा तो मैंने सोचा थोड़ा उनके साथ मजाक कर लेता हूँ। क्या जयलाल आजकल बहुत मजाक कर रहे तुम मेरे से? हाँ शुरुआत किसने की अय्यर भाई? किसने की? भूल गए आपने? मैं उस दिन वो डॉक्टर सारा मैडम का फोन नंबर लेने आपके घर पे आया था, तभी मेरा वो ताव मापते वक्त आपने कैसा मजाक किया था मेरे साथ। ओह माय गॉड, ओह जयलाल, ओह माय गॉड, क्या हुआ? दूर 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 दूर, क्या हुआ? क्या जेठालाल तुम तो नॉर्मल है। जेठालाल वो मजाक तो तुमने पिट्टू ने कर दिया था ना, वो सामने चीख का आया था एक्टिंग करके। मजाक कर रहा हूँ यार भाई। अच्छा अच्छा हो हिसाब चुकते हो गया नहीं? हाँ सॉरी सॉरी सर। बोले बोले बबीता जी कैसे याद किया? आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। ऑल बेस्ट? हाँ ताकि आपको आज कोई बुरा सपना ना आए और आपको अच्छे से नींद आए। जय दलाल वो शीशी पोपो यू नहीं होता है, सो स्वीट ऑफ यू होता है। हाँ वही 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 सच में बबीता जी आपने। जयलाल ज्यादा बात करोगे तो तुमको जल्दी नींद नहीं आएगा, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट जेठा जी, टेक केयर, स्लीप वेल। गुड नाइट बबीता जी, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह बबीता जी का फोन आ गया ना, अभी तो चैन की नींद आएगी ही आएगी। बापूजी ने बोला था सोने से पहले भगवान को प्रार्थना कर लेना, तो भगवान को प्रार्थना कर लेता हूँ। हे भगवान मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना, अभी मैं सोऊं तो मुझे एकदम चैन की नींद आ जाए और एक भी अजीब सपना ना आए, ऐसा करना प्रभु प्लीज। हाँ थैंक यू।
क्या बात दादाजी, आपको सोना नहीं है? टपुरा मुझे कल की चिंता हो रही है, पता नहीं कल की सुबह कैसी होगी। डोंट वरी दादाजी, बी पॉजिटिव, मुझे नानी माँ के नुस्खे पे ना पूरा भरोसा है। सही कह रहा है, ठीक सो जा। हाँ हाँ सो जा, तू भी सो जा। दोस्तों हर दिल में अच्छाई का फूल खिल जाता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। जेठालाल ने सच्चे दिल से किया है एक बच्चे का भला और उस बच्चे ने भी दिल से शुक्रिया है कहा। अब देखना यह है कि जेठालाल की सासू माँ का नुस्खा काम आएगा, क्या वो ये सपनों की समस्या को सुलझा पाएगा, क्या अजीबोगरीब सपनों की समस्या का होगा अंत, आप और हम सब देखना चाहते हैं तुरंत, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ठीक 8:30 बजे कल रहिएगा तैयार और मिलके देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग कपिलधाम। शुभ हो गई और मैं अपने आप जाग गया, तो भी बिना चिल्लाए बिना कोई अजीब सपना देखे। नहीं मैं सपने में तो नहीं जागा हूं ना। अरे नहीं ये सपना नहीं, ये तो हकीकत है, इसका मतलब सासू माँ का नुस्खा काम कर गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। चलो जल्दी से बापू जी और टप्पू को यह खुशखबरी दे देता हूँ। बापू जी और टप्पू दोनों सो रहे, इनकी थोड़ी मस्ती करता हूँ। सो रहे थे तभी। क्यों? आपको खुशखबरी देने बापूजी कि आज मुझे कोई सपना नहीं आया। बापूजी टप्पो, बापूजी टप्पो। सपना नहीं आया तो इतनी जोर से चिल्लाया क्यों? ऐसे ही मस्ती में। ये मस्ती वाली, तेरी मस्ती की वजह से मुझे यह ध्रास का पड़ गया। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन मजा आ गया बापूजी। अरे सुबह उठा तो मैं एकदम नॉर्मल उठा, एकदम कोई चीख नहीं कुछ नहीं, तो मैंने बोला कि अरे वो ये तो अच्छा हो गया, रात को कोई सपना ही नहीं आया, एकदम मस्त चैन की नींद सोया बापूजी। चलो हंस। वाह पापा, नानी माँ का नुस्खा तो काम कर गया। अरे सासू माता जादूगरणी है टप्पू, जादूगरणी। उन्होंने बराबर बोला था, किसी का भला करो तो तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। वो तो है, जो लोग अपने दुख को भुला कर निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं ना, उनको हमेशा अच्छी नींद आती है, इसलिए हमेशा बिना स्वार्थ के मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी की मदद करके जो एहसास मिलता है ना, वो भगवान के दर्शन समान होता है। अरे बापू जी, कल मुझे बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ, जब वो बच्चे को मैंने देखा तो मुझे ऐसे ही लगा साक्षात भगवान आके खड़े हैं मेरे सामने। टप्पू बेटा, तू भी ये बात हमेशा याद रखना, किसी की भी मदद करने में कभी भी पीछे मत हटना है, और निस्वार्थ भाव से ही मदद करना। हाँ हाँ दादाजी, और कृष्ण भगवान ने भी कहा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। वाह टप्पू, दादाजी ने सिखाया है। शाबाश टपूड़ा, शाबाश। वाह देखा जेठिया, मेरे टप्पू को सब याद रहता है। अरे बापूजी, आखिर पोता किसका है? चलो भाई, तेरी मेरी सबकी परेशानी दूर हो गई है। अच्छा जी, क्या सुन,
ये तेरे सपनों के प्रॉब्लम दूर करने के लिए जिन जिन लोगों ने तेरी मदद की थी ना, उन सबको बाद में फोन करके बता देना कि तेरा प्रॉब्लम दूर हो गया है। अरे बाद में क्यों बापू जी, अभी कर देता हूँ ना सबको फोन। आप ही कहते हैं ना सुभाष चघाए। सुभाष चघाए नहीं, सुभाष शीघ्रम। अरे हाँ सॉरी सॉरी, अरे ये कहाँ से आ गए, सुभाष गाई जी तो डायरेक्टर है। नहीं नहीं बरा सुभाष शीघ्रम। ठीक है, तो सबसे पहले बबीता जी को फोन कर देता हूँ बापू जी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही हमारी मदद की ना, और डॉक्टर सारा मैडम का वो फोन नंबर दिया, वही उनके फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड। अरे लेकिन जी क्या बबीता बेटी के पहले तो तू हाथीला से मिलने गया था ना। हाथी भाई ने बापू जी हाथ ऊपर कर दिए थे कि ये मेरा विषय ही नहीं है, और वो डॉक्टर सारा मैडम का नंबर हमको बबीता जी ने दिया था ना, तो सबसे पहले मदद दरअसल बबीता जी ने हमारी की। ठीक है ठीक है, तू कर जैसे भी करना है कर। हाँ हाँ उनको ही कर। बबीता, आज अगर जय डालाल को सपना आया तो समझो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यार सुबह सुबह किसका फोन आया होगा? जय दलाल का ही होगा। अरे हाँ जीठा जी का ही फोन है। हाँ, तो बबीता फोन मत उठाना, उसको जरूर कोई सपना आया होगा तो वो परेशान होगा और हमको भी परेशान होना पड़ेगा। हाँ पर उन्हें कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ तो फोन नहीं उठाएंगे, तो उनको सीढ़ी चढ़कर ऊपर आना पड़ेगा। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा तो भी वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ ही जाएगा। उठाओ उठाओ फोन उठाओ। हाय गुड मॉर्निंग जीठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं आपको सुबह सुबह तंग तो नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हैं। कौन? अरे कौन क्या जेठालाल, मेरा आवाज नहीं पहचाना। अरे अय्यर भाई आप, अच्छा लगता है फोन स्पीकर पे है। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग, बताओ कौन सा सपना देखा? अरे एक भी नहीं अय्यर भाई, एक भी नहीं। व्हाट रियली? हाँ हाँ बबीता जी, कल रात मुझे एक भी सपना नहीं आया, मैं एकदम चैन की नींद सोया। वाओ नाउ दिस इज अ रियली गुड न्यूज। चलो अब तो तुम्हारा टेंशन दूर हो गया ना। अरे दूर मतलब टेंशन एकदम उड़न छू हो गया यार भाई। चलो अच्छा है बबीता, अभी जयदलाल परेशान होकर हमारे घर पर नहीं आएगा। हाँ बराबर, अभी मैं परेशान होकर नहीं खुशी खुशी आऊंगा। जेठा जी यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू बबीता जी, ने सच में मेरी मुश्किल घड़ी में आपने और अय्यर भाई ने जो मेरी मदद की है उसका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है बबीता जी। क्या जेठा जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। मतलब एक दोस्त की मुश्किल घड़ी में दूसरा दोस्त उसकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? वाह 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 बबीता जी वाह, कितनी ऊंची सोच है आपकी, वाह वाह। अरे जीठा जी थैंक यू सो मच। अभी जनरल हम लोग है ना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाद में बात करते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चालू रखो कसरत चालू रखो, सॉरी सॉरी सॉरी, बाद में बात करते हैं। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। बाय, टेक केयर। चलो बबीता जी से बात हो गई, अभी मेहता सबको फोन कर लो। हाँ जेठालाल बोलो, मुझे पक्का पता था कि तुम जरूर फोन करोगे, तुम्हारा फोन आएगा ही आएगा। अरे वाह वाह वाह, इसे कहते हैं परम मित्र। मेहता साहब जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक दोस्ती हमारी रहेगी चालू। यार जेठालाल सुबह सुबह क्यों याद दिला रहे हो भाई समोसे, यार क्या कर रहे हो यार। अरे सॉरी 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 मेहता साहब सॉरी। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ रात नींद आराम से आई, ये अजीब अजीब सपने तो नहीं आए? नहीं बस वही बताने के लिए फोन किया मेहता साहब कि कल रात मुझे एक भी सपना नहीं आया, मैं चैन की नींद सोया। वेरी गुड जेठा, तो बहुत अच्छी खबर है भाई। अरे बहुत नहीं मेहता साहब, बहुत 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 अच्छी खबर है। अब यू समझिए कि वो जलेबी फाफड़ा खाने के बाद जो मुझे खुशी मिलती है ना, ठीक वैसी खुशी अभी मुझे हो रही है। जेठालाल तुम खुश हो तो मुझे क्यों दुखी कर रहे हो भाई, पहले समोसे का नाम लिया फिर जलेबी फाफड़ा का नाम ले रहे हो, भाई क्या कर रहे हो यार सुबह सुबह, क्यों ये खाने पीने की बातें भाई। अरे सॉरी सॉरी मेहता साहब सॉरी सॉरी। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हारी मुसीबत खत्म हो गई और मेरी जान भी छूटी, इस बात पे तुम्हें मुझे एक पार्टी देनी पड़ेगी अब। जरूर जरूर मेहता साहब, आप जिधर बोल रहे हो उधर मैं आपको चटाकेदार मुस। सॉरी फिर से वो खाने की बात आ गई। मेहता साहब आप जिधर बोलो उधर मैं आपको पार्टी देने को तैयार हूँ। ठीक है भाई ठीक है, एक पार्टी तुम पे उधार रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो फोन रखता हूँ। ओके ओके चलो थैंक यू।
चलो हाश, सबको फोन हो गया। अरे क्या सबको फोन हो गया? अरे जिसे खास फोन करना चाहिए उसे तो तूने किया नहीं। कौन? अरे सुंदर को। सुंदर को फोन करके वेवान का तो आभार मान। नहीं नहीं बराबर बराबर बाबूजी, हाँ वो तो मैंने है। आपका प्रॉब्लम नानी माँ ने सॉल्व किया ना? बिल्कुल। हाँ सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि आपकी प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं। हो गया सुंदर, हो गया। सासू माँ का नुस्खा काम कर गया। कल रात एक भी सपना नहीं आया और मैं चैन की नींद सोया भाई। अरे पर माय डियर जीजा जी, आपको मुझे एक फोन करके बताना चाहिए ना, यहाँ मैं आपकी चिंता में चिंता दूर हो गया हूँ। अरे सुंदर तू यकीन नहीं करेगा, अभी मैंने तुझे फोन करने के लिए फोन हाथ में लिया ही था कि तेरा फोन आ गया। जाओ जाओ रेवा दो अपनी बातों। अरे यहाँ बापू जी और टप्पू भी पास में खड़े हैं भाई, चाहिए तो उनसे पूछ ले। अच्छा बापू जी और टप्पू दोनों साक्षी हैं तो ठीक होगा। हाँ थैंक यू सुंदर भाई, तेरी वजह से मेरा ये अजीब सपनों का सिलसिला खत्म हो गया भाई। अरे माय डियर जीजा जी, मेरी वजह से थोड़ी, ये तो माँ की वजह से हुआ है। आप सासू माँ तक पहुँचे तो तेरी वजह से ही ना भाई। तुझे दया को पूछने का ख्याल आया तभी दया ने सासू माँ से पूछने का आइडिया दिया ना। अगर तू दया को पूछने से पहले अगर मुझे कह देता कि सॉरी जीजा जी कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है तो बात वहीं खत्म हो जाती और मेरा ये अजीब सपनों का सिलसिला यूं ही अभी तक चल रहा होता। जीजा जी आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन आप मानते नहीं हो मेरा दिमाग एकदम स्पेशल टाइप का है। आप उसको जितना वापरोगे उतना आपका फायदा होगा। हाँ वापरूंगा ना भाई, जरूर वापरूंगा। अच्छा सुन भाई, मेरी ओर से सासू माँ को प्लीज एकदम दिल से थैंक यू बोलना भाई। ना होए भाई ना मुझे। एक मिनट बापू जी बात करेंगे। हाँ सुंदर बेटा मैं बोल रहा हूँ। नहीं वो तो बोला मैंने बापू जी बात करेंगे। बापू जी पाए लागो। हाँ खुश रहे खुश रहे। अच्छा सुंदर बेटा जरा विवान को फोन देना, वो क्या है ना कि इस बात के लिए मैं खुद विवान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक मिनट बापू जी। हाँ बोलिए बापू जी। नमस्ते नमस्ते विवान, केम छो? बहुत दिनों बाद हमारी बात हो रही है। आपने तो चमत्कार कर दिया, एक ही झटके में मेरे जेठिया के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 आभार। मैं तो मानता हूँ कि आपके अंदर जरूर कोई दिव्य शक्ति है जिससे आप सब लोगों का भला करती रहती है। और बताइए मेहमान, बाकी सब ठीक है ना वहाँ? हेलो 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 विवान, क्या हुआ आप कुछ बोल नहीं रही हैं? बापू जी माँ यहाँ नहीं है। हे? मैंने बताया था ना कि माँ और बहना महिला मंडल सेवा आश्रम में सेवा करने के लिए गई है, पर मैं आपका मैसेज उसे जरूर दे दूंगा। सुंदर बेटा तो पहले बोलना चाहिए ना, मैं यहाँ अकेला अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ। अरे बापू जी मैंने आपका मैसेज रिकॉर्ड कर लिया है, मौका मिलते ही मैं माँ को सुना दूंगा। अच्छा ठीक है। बापू जी जरा माय डियर जीजा जी को फोन देना। चल सुंदर फोन रखता हूँ बाय। अंचय अंचय माय डियर जीजा जी, मैं आपकी इतनी चिंता करता हूँ और आपको मेरी पड़ी ही नहीं है। आप तो एकदम स्वार्थी निकले। अरे क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे तू? माय डियर जीजा जी कल मैंने आपको एक काम सौंपा था, यही नहीं। कौन सा काम? देखा देखा सॉरी सॉरी सुंदर, सच में मेरे दिमाग से निकल गया है, कौन सा काम था? अरे जीजा जी मैंने जो सैनिटाइजर मास्क और ग्लोव का बिजनेस शुरू किया है उसको एक्सपांड करने के लिए मैंने आपको 50,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में डालने के लिए कहा था, वो आपने नहीं डाला है। आप मेरे साथ ऐसा अन्याय करोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर फिर से आपको कोई मुसीबत आई ना तो मैं आपको नया नुस्खा ढूंढ के नहीं दूंगा। सुंदर है, अरे तू तो नाराज हो गया भाई। अरे मैं जानबूझ के थोड़ी मैंने ऐसा कुछ किया, सच में मेरा दिमाग से निकल गया भाई। मैं आज 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 डलवा दूंगा। हाँ ओके जीजा जी आप चिंता मत करना, मैं इसमें से आपको पक्का मुनाफा कमा के दूंगा। वो तो पता है ना, पता है मुझे। ओके ओके जीजा जी गुड बाय, पर पैसे डलवा देना। हाँ डलवा दूंगा आज। हाँ चल ओके बाय। थैंक यू माय डियर जीजा जी, फोन रखता हूँ बाय। थैंक यू भैलू काम हो जाएगा।
चाहूंगा चाहूंगा। ए भाई चाहिए दे। चलो हाँ सभी सबको फोन हो गया। मजा आ गया बाबूजी। एकदम जिसे कहते हैं ना हम रिलैक्स एकदम महसूस कर रहा हूँ बाबूजी। इससे भूखा सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे काम पर ये भी करना है, करूं कैसे? कैसे होगा मारा? कैसे करूं? कब करूं और क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या काय झालंय? क्या सोच रहे हैं आप? क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं? बताइए। वो बोला? अच्छा ठीक है, चाय पी लीजिए, उसके बाद बताइए। और बोला? जवाब तो दीजिए कुछ। माधवी, गणपति बाप्पा आ रहे हैं। तो अच्छा है ना, कितनी खुशी की बात है। कोरोना के इस विघ्न में गणपति बाप्पा विघ्न हरता, वो आ रहे हैं, कितना अच्छा है। लेकिन वही तो टेंशन है ना। ये टेंशन का ही चार, कितनी खुशी की बात है गणपति बप्पा आ रहे हैं। आ रहे बरोबर है, लेकिन कैसे आएंगे? विघ्न दूर करने के लिए विघ्नहर्ता आएंगे कैसे? हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है आपका बर्ताव ऐसा क्यों हो गया। ये लॉकडाउन में न्यूज देख देख के हाँ, कुछ न्यूज वाले ने छोटी छोटी बातों को ऐसा बड़ा बना के दिखाते। गोरेगांव में आज धुआंधार बारिश, छोटे मासूम बच्चे की साइकिल पानी में डूब गई। असं वगैरह तसं तुमचं झालंय। छोटी छोटी बातों का आप इतना टेंशन लेते हो ना। माधवी तुम समझ ही नहीं रही हो। कई हरकत नहीं है, आप यहाँ आइए, पहले आइए यहाँ बैठिए। हाँ, इकड़े बस तभी की चाय पी लीजिए आप। हाँ मैं आपके लिए आइस टी लेके आती हूँ, वैसे भी आपको ठंडी चाय पीनी है ना। आले ए, रुको रुको, बोला क्या टेंशन है? माधवी गणपति बाप्पा आ रहे हैं, गोकुलधाम में गणेश उत्सव मनाना है, लेकिन कैसे मनाए? कैसे गणपति बाप्पा को लेकर आए? कैसे मंडप बांधे? कैसे डेकोरेशन करे? कैसे सारी तैयारी करूं मैं? कोरोना की महामारी चल रही है, गोकुलधाम वासी कोरोना की वजह से बदली हुई जिंदगी में उलझे हुए हैं, और इस बार गणेश उत्सव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है, ऊपर से बजट भी है। माधवी हर साल तो हम लोग गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस साल इतना आसान नहीं होगा। इन शॉर्ट गणेश उत्सव में क्या करे क्या ना करे ये मेरी उलझन। वो टेंशन का है यार। देखिए शुभ काम के लिए हम लोग जब भी आगे बढ़ते हैं ना, तब विघ्न अपोप दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या करूं और कैसे करूं माधवी? अरे सबसे बात कीजिए, मीटिंग बुलाइए। अरे कोरोना की महामारी चल रही तो मीटिंग कैसे बुलाऊं? कौन आएगा मीटिंग में? हाँ तो आप पर्सनली जाकर सबसे मिलिए ना। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मिला? मैं गया था, सबसे पहले जेठाल के घर पे ही गया था सलाह मांगने के लिए। पता है वहाँ पे क्या हुआ? दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने सर पे बाल से ज्यादा टेंशन लेके घूमते हैं। सुबह अखबार आए ना आए उनके पास एक टेंशन पहुंच ही जाता है। इस बार तो कमाल, पूरी दुनिया का विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता श्री गणपति गणेश का टेंशन ले रहे हैं भिड़े। इसके दो कारण है, भिड़े का स्वभाव और कोरोना का प्रभाव। और कोरोना का प्रभाव इस कदर है कि हम सबकी हालत ऐसी है जैसे एक कार रिवर्स गियर में जा रही हो और सावधानी से चलानी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन भिड़े की ये जो टेंशन की कार है मुझे ब्रेक फेल कार की तरह लग रही है। ये ब्रेक फेल कार गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों तक आएगी और एक हास्य एक्सीडेंट होगा। लेकिन भिड़े से ज्यादा टेंशन मुझे इस वक्त ये भी है कि कोरोना के इस काल में किस तरह से गणपति उत्सव होगा, गोकुलधाम सोसाइटी में होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरह से होगा। टेंशन बहुत सारे हैं, आप भी सोचिए कि क्या होगा, कितने हंगामे होंगे। और ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.